इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। कुछ दिनों पहले उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के जलबूज पर स्थित बालाजी मंदिर के आसपास कुछ ठीक नहीं हुआ। मौका था जगन्नाथ रथ यात्रा और मटकी फोड़ के सफल आयोजन के बाद धर्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित स्नेह भोज का। कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी समाज संगठन के लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। यह प्रसादी अपनी समाप्ति की ओर थी और कुछ लोग मंदिर परिसर के पास ही एक छत पर मदिरा पान कर रहे थे। यह वाकया जैसे ही इलाके में नशे से दूर रहने वाले युवाओं ने देखा तो सुरा प्रेमियों को जाकर टोका और बाद में जो कुछ हुआ उससे पूरा शहर वाकिफ है। इस पूरे घटनाक्रम की चौतरफा निंदा की जा रही है। पक्ष विपक्ष की चर्चाएं शहर के गली मोहल्लों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है। वहीं इस हमले में घायल हुए धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने गुरुवार को शहर के लेक्सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर साफ किया कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संगठन को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने एसटीएससी का मुकदमा दर्ज करवाया है और उनके और साथियों पर मारपीट की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं में से कोई शराब नहीं पी रहा था। जो शराब पी रहे थे उन्हें इनमें से कोई जानता भी नहीं था। जब लोगों के हाथों में हमने ये सब कुछ देखा तो बोतल और ग्लास फेंक ही रहे थे। तभी साहेब और उसके साथी आए और एक दर्जन युवाओं ने हमारे साथियों पर हमला बोल दिया। आपको क्या जरूरत है? आपने चल कर बोतल फेंकी थी। आपको क्यों फेंका? मैंने मेरे ग्लास फेंका। फेंका यूं ही बोतल फेंकी। ग्लास की चीज़। मैंने ग्लास फेंका था। खाली ग्लास जो ग्लास होगा ना सामने पड़ा हुआ वो ग्लास मैंने फेंका। आपने क्यों फेंकी? आप वो तो सबूत के तौर पर काम आती थी। सबूत के तौर पर काम आती आपके तथ्य के तौर। मैं इस प्रेस वार्ता में दिनांक 4 सितंबर को जलबूज पे जो घटना घटी उस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ, जिसमें मंदिर की परिसर में अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने मेरे ऊपर और संगठन को बदनाम करने के लिए ये मारपीट की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही झूठा मुकदमा जो एसटीएससी का दर्ज कराया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी समिति सभी लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। और ये कोई नया संगठन नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था है, पिछले 30-35 वर्षों से कार्य कर रहा है और व्यवस्था में रजिस्टर संस्था है। हर काम हमारा एक नंबर लीगल काम है क्या? और हम मांग करते हैं प्रशासन से इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों को सख्त सख्त सजा दी जाए। क्या घटना घटी थी? घटना तो कार्यक्रम था, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष जो स्नेह भोज का आयोजन रखते हैं ताकि लोगों में वो एक मिलन का काम भी हो जाए, अगले रूपरेखा के लिए भी बात हो जाए। इस संबंध में हम वो कार्यक्रम रखते हैं। इस संबंध में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ये घटना घटी है। और मंदिर परिसर में अगर किसी ने शराब पी है उसका घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे व्यक्ति अगर वो वीडियो में अगर है तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने प्रेस वार्ता कर अपनी ओर से सफाई दी और शराब पार्टी में अपने किसी भी साथी के होने से साफ मना कर दिया। इस दौरान कुछ ऐसे सवाल भी हुए जिनका जवाब देने में दिनेश मकवाना असहज दिखे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जिस युवक राजेश दहिया उर्फ साहिब पर मारपीट के आरोप लगे और वह वीडियो में दिख रहा है उसने उदयपुर न्यूज को बताया कि इलाके के कुछ युवा हमेशा नशे के खिलाफ रहते हैं। उन्हें भी प्रसादी के खाने के लिए वहां बुलाया गया था और जब वह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तो नीचे कोई नहीं था। इस पर सभी ऊपर गए और नजारा देखकर चौंक गए। उन्होंने एक बार की टोका और प्रसाद खाने की बात कहने लगे। इस पर दिनेश मकवाना ने बदसलूकी करते हुए वहां से उन्हें निकाल दिया। नीचे आए युवाओं ने अपने दिग्गजों को इस घटनाक्रम की बात से फोन पर अवगत करवाया। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो खुद को सही साबित करने के लिए युवा वीडियो बनाने के लिए फिर ऊपर गए। साहेब ने आरोप लगाया कि उस दौरान मंदिर की छत पर शराब पार्टी चल रही थी तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जहां दिनेश मकवाना और साथी एक गोला बनाकर खड़े थे। जैसे ही वीडियो बनता देखा श्री मकवाना साइड में चले गए और अपनी ही ग्लास फेंक कर वापस आए। वहां मौजूद सभी लोगों के हाथों में ग्लासें थी, कोई पैक बना रहा था, कोई साहेब और साथियों को मनाने की कोशिश कर रहा था। इतने में दिनेश मकवाना आया और अपना रसूख बताते हुए बदसलूकी कर डाली। बालाजी परिसर में जो कुछ हुआ सहन करने लायक नहीं था।
होटल गली में जाना है शहर की, वो जो मेरे को प्रेम मिला ना इधर इधर बोतल बोतल बोतल, अरे बोतल दे दारू 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 है ना बोतल, ठीक है मंदिर में ठीक है भाग रहा। हाँ वो बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ 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 वीडियो बनाओ, क्या हो गया अरे क्या जी भैया बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन। मेरा नाम जितेश राजदैया है और सब मुझे साहब नाम से जानते हैं। तो भैया हमारे पास क्या कॉल आया था प्रसादी के लिए, हम सभी मित्र प्रसादी के लिए गए थे वहाँ पर, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई था नहीं, तो हमने सोचा कहाँ चले गए, हमने फ़ोन भी किया था तो वहाँ मंदिर की छत पर ये लोग बैठे हुए थे, हमें किसी ने कहा कि ये सब मंदिर की छत पे हैं, हम ऊपर गए हमने देखा तो ये सब दारू वारू पी रहे थे, दिनेश जी मकवाना लाला वैष्णव और भी लोग थे, 20-25 लोग थे, सभी दारू पी रहे थे। हमें अच्छा नहीं लगा कि मंदिर परिसर में आप है ना ड्रिंक कर रहे हो दारू पी रहे हो, उन्होंने बोला कि बहुत लेट आए आप, हमने कहा कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हो आप, दारू वारू पी रहे हो आप मंदिर में, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है तुम भोजन कर लो, हमने बोला कि आप हमारा पेट भरा कि अब हमें खाना वाना नहीं खाना है। तो दिनेश जी मकवाना आए, वो बोले क्या हुआ क्या हुआ, हमने कहा चलो आए हुए हैं तो प्रसाद खिला दीजिए, बाकी आप ये जो दारू वारू पी रहे हैं तो ये गलत है। तो दिनेश जी मकवाना को इस चीज़ से ना थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने ना हमसे खाने के मतलब बदतमीजी करना चालू कर दी क्या, और हमने प्रसाद ही मांगा था, उन्होंने बदतमीजी करना चालू कर दी कि आज क्या हो गया ये, जो भी है ठीक है चलता है क्या, खाना खाना हो तो ठीक है, और वही बदतमीजी हुई। हमने सोचा हम यहाँ पे अब इनको कैसे, हम किसको फ़ोन करें, हम वहाँ से एक बार तो निकल गए, हमने ना है बड़े बड़े जो भी थे कुंदन जी वसीटा घंटाघर वाले उन्हें फ़ोन किया सबसे पहले हमने, और उन्हें बोला सूचित किया हमने कि कुंदन भैया आप आओ यहाँ पर, और यहाँ पर ये शराब वराब पी रहे हैं मंदिर में, तो आप आके प्लीज़ इन्हें रोकिए कि ये क्या कर रहे हैं। और भी हमने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, गोपाल जी जोशी को भी फ़ोन किया कि यहाँ पे मंदिर में दारू चल रहा है आप सब आए, कालू जी सरदार उन्हें भी फ़ोन किया, हमने सभी लोगों को फ़ोन किया, उनका उन्होंने बोला कि आप जाओ वहाँ पे और हम पहुँच रहे हैं। तो हमने हमें लगा कि ना है शायद हमने जिन लोगों को फ़ोन किया था वो थोड़े लड़खड़ा गए थे, हमने जब उन्हें बताया कि ये दारू पी रहे हैं तो वो थोड़े लड़खड़ा गए थे, तो हमें थोड़ा सा शंका हुई कि शायद ऐसा नहीं हो कि ना ये कॉल करें उन्हें बोले तो वो बोतल वोतल छुपा दे, वो तो हमने सोचा कि चलो अपन चल के सबसे पहले वीडियो बना लेते हैं। हम वीडियो बनाने गए तो जो भी था वीडियो में वो सब आपके सामने ही है। तो दिनेश जी मकवाना ने अपना पैक वैक फेंकते हुए और एकदम से आया कि हाँ तू कौन है, किससे बात कर रहा है, तू जानता नहीं है मेरे को, वो अपनी पावर का मतलब बता रहे थे। तो हमने कहा कि वो सब ठीक है लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, बोतल दारू वारू ये क्या चल रहा है, ये आप गलत कर रहे हो मंदिर में। तो उन्होंने मतलब हमें बदतमीजी को जो बंदा वीडियो बना रहा था तो उन्होंने क्या है ना उसका फ़ोन मतलब चांटा मारा। तो सर ये विवाद कैसे बढ़ा फिर, लड़ाई की शुरुआत का? लड़ाई की शुरुआत तो हमने उन्हें रोका तो वो थोड़े से घबरा गए थे, शुरुआत उन्होंने की तो हमने तो हमारा बीच बचाव किया क्या। उनका कहना है मेरे पीछे से आके किसी ने बेसबॉल का डंडा मारा। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो खुद नशे में थे, उन्हें खुद को संपर्क नहीं था वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, या व्यक्तिगत गलियां भी दे रहे थे वो क्या, तो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, तो वो तो ठीक है। जब वीडियो जब फ़ोन गिर चुका था तब वीडियो बंद हो गई थी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे, लेकिन वीडियो वापस चालू की थी तब हम सब है ना झगड़ा कर रहे थे। वो शुरुआत पहले उन्होंने की थी, फ़ोन हमारा उन्होंने गिराया, फ़ोन हमारा उन्होंने छीना, आता भाई उन्होंने शुरू की थी, हमने तो हमारा बीच बचाव किया था। वो दिनेश जी मकवाना भागते भागते गए, वो डर के कारण वो थोड़े से सीढ़ियों से गिर गए। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले के अंदर? मैं तो ये चाहता हूँ कि गाड़ी शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, तो मंदिर में शराब पीना
अपराध है या नहीं है ये तो आप लोगों को भी पता है। वो दिनेश जी मकवाना जी बता रहे हैं कि कुछ मुसलमान के लड़के भी आपके साथ में थे, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर मुसलमान तो ऐसा कोई नज़र आ नहीं रहा था जो है उस वीडियो में है, मुसलमान तो कौन है। अब ये तो है कि अब उन लोगों के पास कुछ जवाब नहीं है तो उनको तो एक मुद्दा उठाना है कि चलो इस पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं ना, एक मुद्दा डाल देते कि मुस्लिम युवक थे, है ना, मुस्लिम युवक थे तुम लोग वहाँ पे, तुम खुद अपने है ना धर्म के प्रति सच्चे नहीं हो, तुम अपने है ना धर्म को मजाक बना रखा है, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं तुम उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो, आप हमसे इतने बड़े हो, आप 45 साल के 50 साल के हो, हम तो बहुत छोटे हैं आपसे, हम आपसे क्या सीखे, आप लोग है ना हमें ये शिक्षा दे रहे हो कि आप मंदिर में, आप खुद बताओ ना मंदिर में क्या दारू पीना अच्छी बात है क्या, मंदिर कोई भी हो है ना, जैसे बालाजी का मंदिर था, आज माता जी के मंदिर में भी प्रसादी होती है तो वो भी मंदिर के अंदर नहीं होती है, वो भी आसपास कहीं क्षेत्र में होती है, बाकी मंदिर के अंदर नहीं होती है ना। तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने उनका विरोध किया, हमने तो है ना उनकी सच्चे हम उनके है ना जमाने के सामने लेके आए कि ये धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश जी मकवाना, लाला जी वैष्णव, ये सब लोग कार्यकर्ता, मतलब ये करे वो सब कुछ सही है, हम तो हमारे ग्रुप में कोई नशा नहीं करता है, हम तो नशे के खिलाफ है हमेशा से, मैं खुद भी नशा नहीं करता हूँ, मेरे सभी भाई लोग जानते हैं, है ना, हमने कोई गलती नहीं की है क्या, हमने तो है ना ऐसे। और पहली बात तो ये है कि बालाजी मेरे सिर्फ अकेले के नहीं है, हनुमान जी मेरे स्वयं अकेले के नहीं है, हनुमान जी सबके हैं, सबका धर्म बनता है, सबका काम है कि है ना है रक्षा करें अपने धर्म की, क्या सबसे पहले अपने लोगों से साफ सफाई चालू करें, जो अपने लोग जो है ना है गंदी वाड़ा भ्रष्ट वाड़ा फैला रखा है क्या उन्हें आप रोकिए है। और हाँ हमें इस चीज का उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन, साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी, मोड़ी में फार्म हाउस धमाका, अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना, गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी, 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।